ओ हेलो डियर व्यूअर, ए वार्म वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का दिन देखो बहुत खूबसूरत है और मैं आज जा रही हूँ अपना फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले मैं गई एटीएम, जहाँ से मैंने पैसे निकाले क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि हर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है जब आप ट्रैवल करते हो कहीं दूर। तो आज मैं जा रही हूँ कोलकाता और कोलकाता से मुझे बुलावा आया है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और सबसे पहले मुझे जाना था मेरे पापा के पास। जो पैसा है वो उनमें से कुछ मुझे अपने पापा को देना था उस पैसे में से, क्योंकि वो कुछ मेरा पर्सनल ज़रूरी था पापा को देना। तो इसलिए मैं गई और हमारा जो मार्केट था, जो मार्केट मंगलवार और शनिवार को स्पेशल मार्केट होता है जहाँ पर चीपेस्ट प्राइस में चीज़ें मिलती हैं, तो ये काफ़ी जगह में होता है और यहाँ पर भी हो रहा था। मैंने पापा को पैसे दिए, फिर हम टोटो में बैठे जो कि हमें ड्रॉप करने वाला था हमारा रेलवे स्टेशन तक। तो रेलवे स्टेशन तक भी नहीं, तो दो टोटो चेंज करना पड़ता है, तो हमने टोटो ही पकड़ा था। तो हमें टोटो में ही जाना था दो टोटो चेंज करके, और मैं और मेरे साथ मेरी माँ थी, क्योंकि मुझे अपने घर वाले अकेले नहीं जाने देते कहीं दूर। तो मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है, कभी कुछ मतलब सामने जाना हो कहीं आसपास तो ठीक है फिर भी, लेकिन कोलकाता या फिर कहीं थोड़ा सा दूर और किसी रिश्तेदार के घर, तो मैं कभी किसी के घर अकेले नहीं जाती और अकेले मैं घूमती भी नहीं हूँ। तो मेरे साथ कभी ना कभी मेरा बड़ा भाई या मेरा कोई मेरी माँ या पापा या कोई भी होता है साथ में, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी होता है और घर वाले भी यही चाहते हैं कि मेरे साथ कोई ना कोई। और पता नहीं मेरे घर वालों को क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी लगता है, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ फिर भी उन्हें लगता है कि मैं कहीं रास्ता भूल ना जाऊँ, मैं कहीं ट्रेन से ट्रेन की पटरी पर मेरा पैर ना आ जाए ट्रेन में जाकर। तो ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे ही सोचते हैं मेरे बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ और इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मेरे बारे में मेरे घर वाले ऐसा सोचे, लेकिन वो ऐसा ही सोचते हैं मेरे बारे में, ख़ास कर मेरे पापा। और फिर हमने हमारा ट्रेन पकड़ा और ट्रेन हमारा 3 घंटा लगता है हावड़ा स्टेशन पहुंचने में। तो हावड़ा स्टेशन में मैं पहुंची तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, हमेशा की तरह जैसे हमेशा भीड़ रहता है वैसे ही। और हावड़ा स्टेशन में तो कभी कभी इतना भीड़ रहता है कि आप तो मतलब पैर भी आगे ले जाओ तो जगह नहीं बचती। और हॉस्पिटल से मुझे कहा था कि आप यहाँ पर 2 बजे तक ज़रूर पहुँच जाना, क्योंकि 2 बजे तक यहाँ पर टाइम है आपके लिए और 2 बजे तक आपको कैसे भी यहाँ पर पहुँचना है। तो मैं बहुत मुश्किलों के साथ, मुझे मालूम भी नहीं था कि वो हॉस्पिटल पड़ता कहाँ पर है और रास्ता कौन सा है, कैसे जाएँ, किस तरफ से जाएँ, और बिल्कुल एक तरह से अनजान शहर जैसा होता है ऐसे ही मेरे लिए और मेरे माँ के लिए भी। हाँ, मेरा जो नानी का घर है वो कोलकाता में ही है, लेकिन इस साइड में नहीं, तुपसिया साइड में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था हमारा हॉस्पिटल ढूंढने में। और यहाँ जो विधानगर एरिया है यहाँ पर बहुत सारा हॉस्पिटल्स है, और लोगों से भी पूछे तो वहाँ पर कई नए लोग मुझे मिले या मेरी माँ को, तो वो लोग बोल रहे थे कि हमें नहीं पता, और कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा आगे जाइए एक हॉस्पिटल है। तो आगे गए तो फिर हमें इधर उधर अलग अलग हॉस्पिटल दिखा और आर्मी कैंप दिखा, तो हम चलते गए और भी जा रहे थे। मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि कितना चलना पड़ेगा, कितना दूर है और हम टाइम पर पहुंच पाएंगे। तो शक हो रहा था कि है भी हॉस्पिटल यहाँ पर या हम गलत जगह आ गए। तो फिर दिखा कि सुश्रुत फाउंडेशन जहाँ पर हमें जाना था, और अंदर का जो सीन था वो मैं शूट नहीं कर पाई। ये एक होम्योपैथी हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं होम्योपैथी स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। और ये देखो ITC होटल, ये तब का वीडियो है जब मैं वापस आ रही थी तब का, क्योंकि नया प्लेस था तो मैंने वीडियो शूट करना सही नहीं सोचा, और मैं बहुत नर्वस थी इसलिए कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और पता नहीं क्या होने वाला है, मैं पास भी होऊंगी या नहीं। लेकिन मैं पास आउट हो गई थी 5 दिन और बाद मुझे जॉब भी मिल गया था। और फिर जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर
माँ कुछ खरीदारी कर रही थी, क्योंकि माँ को चीज़ें खरीदने की आदत है। घर का सामान तो माँ खरीदती ही है, और उसके साथ साथ मेनली मैं भी मेरी माँ से इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए इतना चीज़ खरीदती रहती हूँ यहाँ वहाँ शॉपिंग। तो हम आते वक्त उतरे राधा मोहनपुर स्टेशन में, क्योंकि हम बालीचौक स्टेशन से नहीं आए, क्योंकि हमारा जो टोटो वाला भैया जो रिज़र्व किया हुआ था ना, वो राधा मोहनपुर से ही हमें लाने वाले थे। वो उन्होंने कहा कि मैं इसी तरफ से जाऊंगा, तो हम भी उसी तरफ से आए और हम ठीक ठाक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।